नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल में टैंक वैगन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने टैंक वैगन के कुछ प्रकार के बारे में जाने थे, जो कि है पेट्रोलियम वैगन, जैसे कि BTPN वैगन, BTFLN वैगन। और इस वीडियो में हम जानेंगे टैंक वैगन के अगले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है BTPGLN, जो कि है LPG टैंक वैगन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि BTPGLN का फुल फॉर्म क्या है, उसमें कौन सी बोगी उपयोग की जाती है, उसकी बोगी अरेंजमेंट के बारे में, उसके स्प्रिंग अरेंजमेंट के बारे में, उसका मेंटेनेंस कब कब किया जाता है, या फिर कहें कि उसका जो वेट अरेंजमेंट है, टेयर वेट, पेलोड या फिर ग्रॉस वेट है, वह क्या होता है, इसमें कौन सी कपलर उपयोग की जाती है, इसके जनरल में कौन सी बेयरिंग उपयोग की जाती है, इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। सबसे पहले समझ लेते हैं BTPGLN का फुल फॉर्म के बारे में। तो BTPGLN का जो फुल फॉर्म है वह होता है बोगी टैंक वैगन फॉर LPG पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उपयोग की। तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर LPG, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हम बात कर लेते हैं टैंक वैगन के वैगन कोड के बारे में। तो वो टैंक वैगन का वैगन कोड होता है वह होता है 4254, जिसमें BTPGLN का जो वैगन कोड है वह है 42। इसमें जो कपलर उपयोग की जाती है वह होती है सेंटर बफर कपलर, जो होती है नॉन ट्रेडिशनल टाइप की। और इसमें जो बेयरिंग उपयोग की जाती है वह होती है कार्टी स्टेपर रोलर बेयरिंग, या फिर कहें कि CTRB इसमें उपयोग की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। तो इसके मेंटेनेंस में POH पीरियड ओवरहॉलिंग और ROH रूटीन ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो पीरियड ओवरहॉलिंग इसके फर्स्ट POH किया जाता है 4 साल में, और उसके बाद जो POH किया जाएगा वह भी 4-4 साल के अंतराल में किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूटीन ओवरहॉलिंग ROH के बारे में। तो इसका पहला ROH किया जाएगा वह है 24 मंथ, या फिर कहें कि 2 साल बाद, और जो आने वाला जो ROH किया जाएगा वह भी किया जाएगा 2-2 साल के अंतराल के बाद, या फिर कहें कि 24 महीना के अंतराल के बाद में उसका ROH किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो इसके जो ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है, डायमीटर होता है, वह होता है 14 इंच का, या फिर MM में कहें तो वह होता है 355 MM की। इसकी इम्पिटी कंडीशन में इसकी जो पिस्टन स्ट्रोक होती है वह होती है 85 ±10 mm। यदि हम बात करें लोडिंग कंडीशन में इसकी पिस्टन स्ट्रोक की, तो वह होती है 130 ±10 mm की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक रेक में जो वैगन की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो इसमें जो वैगन की संख्या होती है वह होती है 31। अब हम बात कर लेते हैं इसके बोगी अरेंजमेंट के बारे में। तो इसके बोगी अरेंजमेंट में इसमें जो भी बोगी उपयोग की जाती है वह होती है केसनप 22 NLB बोगी। इसकी जो एक्सल लोड होती है वह होती है 19.8 टन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्प्रिंग अरेंजमेंट की। तो इसकी सिंगल बोगी में जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है वह है, इसके आउटर स्प्रिंग की जो संख्या है वह है 12, इनर स्प्रिंग की जो संख्या है वह है 8, जो स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या है वह है 4। BTPGLN वैगन की जो कोडा लाइफ होती है वह होती है 40 ईयर्स की। इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वह होती है 75 km/h, जो होती है इसकी लोडिंग कंडीशन में, 80 km/h जो होती है इसकी इम्पटी या फिर खाली कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट अरेंजमेंट के बारे में। तो इसके वेट अरेंजमेंट में इसकी जो टेयर वेट होती है वह होती है 41.6 टन की। इसकी जो पेलोड होती है वह होती है 37.6 टन की। इसकी जो ग्रॉस वेट होती है वह होती है 79.2 टन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन संबंधित बातों की, जैसे कि उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, इन सभी बातों की। कि जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होती है वह होती है 18,000 की। इसकी जो लेंथ ओवर कपलर्स होती है वह होती है 18,929 mm की। इसकी जो लेंथ ऑफ बैरल इनसाइड की है वह 17,994 mm की। इसकी जो डाया होती है इनसाइड बैरल की वह होती है 2400 की। यदि हम बात करें इसकी ओवरऑल हाइट फ्रॉम रेल लेवल की, तो वह होती है 4,285 mm की।
यदि हम बात करें इसकी बोगी सेंटर के बीच की डिस्टेंस की, तो वह होती है 12,790 mm की। इसकी जो जनरल सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वह होती है 2260 mm की। इसकी जो व्हील डाया होती है वह होती है 1000 न्यू कंडीशन में और 906 mm इसकी कंडमिंग साइज होती है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको इस BTPG L11 वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।